Hello everyone, my name is Arman Ansari and you are watching Arman Ansari YouTube channel. So let's get started with video. So guys, इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा Samsung Galaxy M51 स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन को, फीचर को और साथ ही में लॉन्च डेट को भी बताऊंगा। तो गाइस, अगर आप सभी लोग ही ये सारी चीज़ जानना चाहते हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक देखो। मैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो में ही कवर किया हूँ। और गाइस, मैं इस वीडियो में Samsung Galaxy M51 स्मार्टफोन के रिलेटेड में अपना ओपिनियन भी दूंगा कि आप सभी लोगों को ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो गाइस, अगर आप सभी लोग ये सारी चीजें जानना चाहते हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखो, आप सभी लोगों को इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन ही मिलेगी। तो गाइस, आप सभी लोगों को गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन में जो देखने को मिलेगी डिस्प्ले, वह देखने को मिलेगी 6.3 इंचेस का डिस्प्ले। जो आप सभी लोगों को देखने को मिलेगी डिस्प्ले, वह पंच होल डिजाइन के साथ देखने को मिलेगी। और साथ ही में इस स्मार्टफोन में IPS LCD का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो गाइस, गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का भी प्रोटेक्शन मिलता है, जिससे ये स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा और भी केयरफुल हो जाता है। तो गाइस, आप सभी लोगों को मिल जाता है सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम वह देखने को मिलती है एंड्रॉयड वर्जन 10 की। और इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 का मिलता है चिपसेट, जो अच्छी देखने को मिलती है, उतनी ही आप सभी को पावरफुल देखने को नहीं मिलती है। पर गाइज, आप सभी लोगों को प्राइस के हिसाब से काफी सही देखने को मिलता है प्रोसेसर और चिपसेट, और आप सभी लोगों को डिस्प्ले और काफी सारी स्पेसिफिकेशन आप सभी लोगों को प्राइस के हिसाब से बहुत ज्यादा देखने को मिलता है अच्छी। और गाइज, आप सभी लोगों को सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन में जो देखने को मिलेगी प्रोसेसर, वो मिलेगा ऑक्टा कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज़। सिंग आप सभी लोगों को मिलेगा इसमें 2.2 गीगाहर्ट्ज़ ड्यूल कोर क्रियो 470 प्लस 1.8 गीगाहर्ट्ज़ हेक्सा कोर क्रियो 470 का मिल जाएगा प्रोसेसर, जो आप सभी लोगों को मीडियम देखने को मिलती है प्रोसेसर। और साथ ही में आप सभी लोगों को गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन में जो रैम देखने को मिलेगी, रैम मिल जाएगी इस स्मार्टफोन में 6GB का रैम, और 6GB के रैम के साथ जो ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलेगा वह देखने को मिलेगी एड्रिनो की तरफ से आने वाला एड्रिनो 618 का ग्राफिक्स कार्ड। तो गाइस, गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है और इस स्मार्टफोन में 3.5mm की हेडफोन जैक भी मिलती है। तो गाइस, गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन में स्लॉट जो देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है 3 स्लॉट, जिसमें से दो सिम स्लॉट मिलती है, एक माइक्रो एसडी स्लॉट मिलती है, जिसमें आप सभी लोग 512GB तक का कोई भी माइक्रो एसडी कार्ड को इनपुट कर सकते हो। तो गाइस, इस स्मार्टफोन में इंटरनल मेमोरी जो देखने को मिलेगी 128GB का इंटरनल मेमोरी भी मिलती है। तो गाइस, सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन में जो रियर कैमरा देखने को मिलेगा वह देखने को मिलेगी ट्रिपल कैमरा का सेटअप। ट्रिपल कैमरा का सेटअप के साथ साथ आप सभी लोगों को 48MP का प्राइमरी कैमरा और साथ ही में 8MP का सेकेंडरी कैमरा और 5MP का आप सभी लोगों को मिलता है ट्रिपल कैमरा। और गाइस, इस स्मार्टफोन में आप सभी लोगों को एक LED फ्लैश भी मिलता है, जिससे आप सभी लोगों को इसमें कैमरा बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। तो गाइस, गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन में जो फ्रंट पे कैमरा देखने को मिलेगी वह देखने को मिलेगी 16MP की कैमरा, और 16MP की जो कैमरा देखने को मिलेगी वह फ्रंट में देखने को मिलेगी और साथ ही में पंच होल डिजाइन के साथ देखने को मिलेगी। तो इस स्मार्टफोन में आप सभी लोगों को कैमरे भी अच्छी देखने को मिलती है। तो गाइस, सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन में जो बैटरी मिलेगी वह देखने को मिलेगी 4000mAh की बैटरी। तो गाइस, 4000mAh की बैटरी को फास्ट चार्ज करने के लिए इसमें फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, जिससे आप सभी लोग इस स्मार्टफोन को बहुत जल्दी चार्ज भी कर सकते हो। तो गाइस, गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन में आप सभी लोगों को जो नेटवर्क सपोर्ट मिलती है इंडिया में वो मिलती है 4G, और ये स्मार्टफोन 4G में ही लॉन्च होगा इंडिया में। तो गाइस, आप सभी लोगों को इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे देखने को मिलती है। और इस स्मार्टफोन की मैं आप सभी लोगों को बताऊँ क्या क्या चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है, यानी क्या क्या आप सभी लोग को स्पेसिफिकेशन में अच्छे देखने को मिलते हैं। तो गाइस, आप सभी लोगों को सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन में डिस्प्ले, साथ ही में रैम, ग्राफिक कार्ड और साथ ही में प्रोसेसर, चिपसेट, रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा, बैटरी, ये सारी चीज़ें आप सभी लोग को अच्छी देखने को मिलती हैं, यानी आप सभी लोग को सारे स्पेसिफिकेशन अच्छे देखने को मिलते हैं प्राइस के हिसाब से मैं आप सभी लोग को बता रहा हूँ। तो गाइस, आप सभी लोग को गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन की बताऊँ रिलीज डेट क्या होने वाली है। तो इस स्मार्टफोन की जो रिलीज डेट होने वाली है वह होने वाली है 27 मार्च। तो गाइस, ये स्मार्टफोन 27 मार्च को लॉन्च होगा। तो गाइस, देखते हैं कब तक लॉन्च होता है। अगर 27 मार्च को लॉन्च होगा ये स्मार्टफोन,
स्मार्टफोन तो काफी सही होगा और ये जितने जल्दी स्मार्टफोन लॉन्च हो उतनी अच्छी होगा। तो गाइस जैसे ही स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा अवेलेबल भी हो जाएगा काफी सारे वेबसाइट पे और कहीं पे भी आप सभी लोग को देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आप सभी लोगों को लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे भी अवेलेबल होगा मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी जाकर आप सभी लोग बाई कर सकते हो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या और भी अदर वेबसाइट से भी बाई कर सकते हो सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन को। तो गाइस इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताया हूँ सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन को, साथ में फीचर को और लॉन्च डेट को। आप बता देता हूँ क्या होने वाली है प्राइस। तो गाइस इस स्मार्टफोन की जो प्राइस होने वाली है वो होने वाली है 24,999 रुपीज। तो गाइस ये स्मार्टफोन 24,990 रुपीज में देखने को मिल जाएगी और इतने आप सभी लोगों को मीडियम प्राइस के रेंज में आप सभी लोगों को इतने अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। ऐसे में ये स्मार्टफोन आप सभी लोगों को सारी चीजें मीडियम ही देखने को मिलती है और गाइस ये मिड रेंज के प्राइस में भी आती है। तो काफी सही ये स्मार्टफोन होने वाली है। तो गाइस इस वीडियो में आप सभी लोगों को सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन की सारी इन्फॉर्मेशन को बताया हूं। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो गाइस आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे स्विच करो ताकि आप सभी लोगों को हमारे आने वाले और भी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के स्मार्टफोन और डेस्कटॉप पे मिलती रहेगी सबसे पहले। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे भी चूज करो ताकि आप सभी लोगों को हमारे आने वाले और भी मोर वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस बस इस वीडियो में अगर आप सभी लोगों का इस स्मार्टफोन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सभी लोग मुझसे पूछ सकते हो कॉमेंट बॉक्स में, आप सभी लोगों को कॉमेंट बॉक्स में बता दूंगा सारे क्वेश्चन का आंसर ही। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।